लगी? आज आज आपका स्पेशल दोबारा देखा जा रहा है अमृतपाली जी के साथ में जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे पूरे भगवान भोजपुरिया समाज को, उन सभी को हमारे हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा पीछे सेटअप भी, इतनी खूबसूरत सी लाइटिंग है, इतना खूबसूरत सा सेटअप है, चूँकि दो बहुत खूबसूरत लोग खड़े हैं तो इतना खूबसूरत सेटअप बनाया गया है। और आज फिर से हम लोग एक बहुत ही कमाल का, धमाल का और बहुत ही बवाल सा गाना लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये जिस फिल्म के लिए हम लोग ये गाना कर रहे हैं, इस फिल्म का नाम है या अली बजरंग बली। और चूँकि ये फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही है कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से इस फिल्म की मेकिंग चल रही है, बहुत बड़े लेवल पर इस सिनेमा का निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। और आज जैसा कि आप सबके सामने फिर से एक बार मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आप सबकी बहुत ही चहेती, आप सबकी बहुत ही पसंदीदा अभिनेत्री अमृतपाली दुबे जी हैं, जिनको आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग से वो रूबरू हो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? फिर से आप चिंटू जी के साथ दोबारा नजर आ रही हैं गाने में या अली बजरंगबली में। जी, ये दूसरी बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस गाना बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रफीक जी, उनके साथ मैंने कई सारी फिल्में की है पहले, और उनके डायरेक्शन में आज पहली बार इस फिल्म में काम करूंगी, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं रफीक जी के साथ। और हमारे डांस मास्टर हैं रामदेवन जी, जिन्होंने मेरा सबसे बड़ा हिट गाना मुझे दिया है राते दिया बुता के, ये गाना उनके साथ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक की फीलिंग आ रही है। तो मैं चाहूँगी आप लोगों को हमारे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर सर से मिलाया जाए। आइए आइए, रफीक जी एंड रामदेवन जी, आड़ी रामदेवन जी। रामदेवन जी, बहुत स्वागत है रफीक जी के साथ में। हाँ, शुक्रिया 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 भोजपुरी ऑडियंसों, आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। ये जो हमारे चिंटू पांडे हैं और ये जो अमृतपाली दुबे जी हैं, आप लोग प्रे कीजिए और ये गाने को रात दिया से ऊपर कम से कम 150 मिलियन क्रॉस होना चाहिए गाना, इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और हमारे डायरेक्टर साहब से मिलिए रफीक जी, कम से कम 15 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं गुजराती इंडस्ट्री से, बहुत ही बड़े DOP हैं और उसके साथ बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। इस फिल्म को चिंटू के लिए बहुत प्लस होगा बिकॉज टेक्निकली बहुत हाई फाई, और चिंटू का जो दो रोल है अली और बजरंग बली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पिक्चराइज किया है, और चिंटू का परफॉर्मेंस को आप लोग देख के जकास एंजॉय करेंगे। ब्लेसिंग दीजिएगा। टाइटल क्या गाने का बताएंगे? टाइटल देखिए, भोजपुरी में लोग गा के बता देंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अमरपाली 2 लाइन, चिंटू 2 लाइन। बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि वो आप सबसे कुछ बात करें। रफीक जी वो शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी की जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके DOP रहे हैं, उनके सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, और वो पहली बार डायरेक्शन का कमान थाम रहे हैं, निर्देशन का कमान थाम रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही, मेरे लिए भी और जितने भी लोग हैं, हम जितने भी यूनिट, जितने टेक्नीशियन, हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे जो हाईली टेक्निकल इंसान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं, सारे चुने हुए लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि इस सिनेमा का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जो भोजपुरी में जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं कि हम काश ये सीक्वेंस ऐसा होता, काश ये सीक्वेंस वैसा होता, इसको इस क्रेंजर में शूट किया जाता, तो ये बिल्कुल वही सिनेमा है। इसके जितने भी सीक्वेंसेस हैं, सारे सीक्वेंसेस को बहुत ही भव्य और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया। उस मामले में जब रफीक जी DOP थे, हाँ, तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो अब तो डायरेक्टर है, मैं सोच रही हूं आप क्या करते होंगे। हम लोग जब करते थे शूट, तो हम लोग जब देखते थे तो रफीक जी देखते थे और वो बोलते थे कि नहीं 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 मज़ा नहीं आ रहा, इसको अभी नहीं करते, इसको बाद में करते हैं। तो मैं अब चाहूँगा रफीक जी बोल रहे हैं, और आज मैं सबसे पहले अमृतपाली जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे समय दिया और एक मेरी फिल्म के लिए गाने के लिए आया, क्योंकि इनके साथ मैंने 3 फिल्में की हम लोगों ने, और सभी फिल्म हिट हुई थी, और एक इनका लक्की चार्म है जो हमेशा रहा है, पटना था पाकिस्तान, बम बम बोल रहा है काशी, मुकामा, और अभी या अली बजरंग जी में इनकी एंट्री हो गई है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये फिल्म को अब कोई भी सुपर हिट होने से नहीं रोक सकता। आमीन आमीन आमीन। और इस फिल्म में एक फिल्म के बहुत ही खूबसूरत से सदस्य हैं अनवर भाई, जो हमारे बीच है, प्लीज़ आइए अनवर भाई, और ये भी इस सिनेमा से जुड़े हुए हैं काफ़ी अभी। अच्छा अनवर जी, किस रोल में है जरा बता दीजिए। अनवर जी ये बहुत ही स्पेशल रोल में है जिसका खुलासा बहुत जल्द आप किया जाए, जो हम लोग को भी अभी तक पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मैं बताऊंगा। तो अनवर भाई ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, इस सिनेमा को सजाया है, तो जितने भी लोग हैं सारे बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, सारे अपने फील्ड के बहुत मास्टर लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं। और अब आपका सवाल अनवर जी, क्या कहेंगे आज, कितने खुश हैं?
मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ अमरपाली जी के साथ काम करके। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ फुल फ्लैश पिक्चर करूँ। जिस तरह मेरे भाइयों ने खुदा गवाह बनाई, 1, 2 का 4 बनाई, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, आज मुझे ऐसा मौका मिला भोजपुरी में इनके साथ काम करने का। मैं तो जब से उन्होंने बोला तब से ही सोया नहीं मैं, और आज तो बहुत खुशी की बात यह है कि मैं प्रोडक्शन नंबर 1 भोजपुरी में ऐसा प्रोड्यूसर मैं आया हूँ, और दिलीप जसवाल जी मेरे पार्टनर है, और इस फिल्म को मैं बड़ी रीत से बनाऊंगा और अच्छे से रिलीज़ करूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से बनाने की और बड़ी फिल्म बनाने की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और मुझे अमरपाली जी आज निरहुआ रिक्शा वाला की यादें ताज़ा हो रही है, चिंटू खींच रहा रिक्शा से रिक्शा वाला 2 की यादें ताज़ा हो रही है, रिक्शा वाला 1 मैंने देखी है, उसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ 2 की यादें ताज़ा हो रही है। उसमें मैंने और दिनेश जी ने रिक्शा पे बहुत एक अच्छा गाना शूट किया था। हाँ। आज मैं और चिंटू जी रिक्शा पे एक गाना शूट करें, पर हाँ थोड़ा दिनेश जी को मिस कर रही हूँ मैं। आपको नहीं लगता है लेके भागने वाले आपको? नहीं, हाँ। नहीं उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ। नहीं, करने को तो बहुत कुछ कर लिया जाएगा लेकिन नहीं, पर तभी भगा सकते, जब कोई भागना चाहेगा तब घसीटते हुए थोड़ी लेके जाएंगे। भोजपुरिया हमने के भोजपुरिया में वो कहावत था कि जौना चीज के हमने के ठान लेवे नहीं जा, वो कर लेवे नहीं जा, लेकिन जब तक ना ठाने नहीं जा तब तक ना करे नहीं जा। ये हम लोगों ने भोजपुरियों के खून में, भोजपुरियों की माटी में ये अलग सा एक चीज है जो हम ठान लेते हैं, जिसको ठान लेते हैं उसको माटी का। हमारे यहाँ पे जो जितना अच्छे से लड़कियों की इज्जत की जाती है, यस, वो हमारे चिंटू जी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल, जवाब मिल गया, जब ठाना जाएगा बिल्कुल तब किया जाएगा। गाने का 2-2 लाइन गा दीजिए अमरपाली जी एंड चिंटू जी। चंद्रा जी इस फिल्म के हमारे प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं। चंद्रा जी क्या कहेंगे आज, क्या शुभकामनाएं देंगे? हमको तो यही कहना है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। किधर कैमरा, किधर है कैमरा? सामने हमको पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली कैमरा 10 को किधर, मेन कैमरा किधर है? सब सब लाइट। बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस जगह इस अवसर पर उपस्थित हूँ, और अमरपाली जी जो आज तक सुपर हिट पिक्चर ही देती आ रही हैं, और रियली मैं उनको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। और चिंटू तो खैर मेरा घर का लड़का है, और बहुत आगे जाने वाला लड़का है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, और ऐसे ही बात है अमरपाली जी के साथ। और मेरा आशीर्वाद दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रफीक जी ये जो डायरेक्टर हैं, ये ओरिजिनली तो सब लोग जानते हैं कि ये कोरियोग्राफर कैमरा मैन है, और इनकी पिक्चर कितनी गुजराती या भोजपुरी में और हिट भी हुई है, सुपर हिट हुई है, और ये डायरेक्ट कर रहे हैं, और हमको 100% विश्वास है कि चिंटू जी के साथ और अमरपाली जी के साथ ये पिक्चर सुपर डुपर तहलका मचाने वाला है एकदम। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। अली और बजरंगबली में आपको कौन सा रोल पर ज़्यादा फिट बैठता है? मुझे एक्चुअली अभी तो अली में है। हाँ। मैंने स्टोरी की 1 लाइन सुनी है रफीक जी से, एंड आई थिंक बहुत ही दोनों कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए प्ले करना, बहुत लेकिन बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। दोनों कैरेक्टर में इतना कुछ है करने के लिए, मतलब अगर मैं लड़का होती ना तो मैं लड़ने लगती रफीक जी से, मुझे क्यों नहीं दी ये फिल्म, मैं करूंगी। बट आपको ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फिल्म, और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने खूबसूरत लोग जुड़े हैं, अमरपाली जी जुड़ी हैं। और अमरपाली जी लगता है वेट बहुत ज्यादा कम कर लिया? यस, हम ये मैंने उनको उस दिन भी जब हम लोग पहली बार गाना करते तब भी कॉम्प्लीमेंट दिया था, और नहीं ये मैंने किसके लिए किया? आज खुलासा कर रही हूँ, मैं एक मनोज टाइगर जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, लागल रहा बताशा। हाँ। उनके सामने पतली दिखने के लिए लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि या अली बजरंग बली, दरअसल ये सिनेमा जो है ये सिनेमा हिंदुस्तान को दर्शाता है, हमारे हिंदुस्तान को एकता को दर्शाता है, जो हमारे जो लोग कहीं ना कहीं जो लोग कहीं गलत बातें करते हैं हिंदू और मुसलमानों को लेकर, ये उनके अंदर के प्रेम भाव को दर्शाता है। और साथ ही साथ इस सिनेमा में जितने भी ट्विस्ट हैं वो अब तक भोजपुरी में नहीं देखने को मिला है, और बहुत ही उसी सोच के साथ इस सिनेमा का निर्माण हो रहा है, और रफीक जी उसी सोच को लेकर सिनेमा को बना रहे हैं। जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे सामने रखा था, मैं
मैं कहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों या ऐसा क्यों, मैं बस सुनते जा रहा था शुरुआत से एंड तक। और जब एंड जैसे ही फिल्म का क्लाइमेक्स ख़त्म हुआ, इन्होंने बताया, मैंने बोला सर ये आप लिख के ले लीजिए पेपर पे, ये फिल्म श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है और आप प्लीज़ इसे बनाइए। और जिस तरीके से आपने बताया अगर ये फिल्म ऐसी बन गई तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी, जिसे हम जो हम सभी लोग चाहते हैं, जितने भी एक्टर हम चाहते हैं, हम जितने भी लोग जो ऐसी सिनेमा ऐसे कुछ सिनेमा करने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा सिनेमा हमारी झोली में आए और हम ऐसा सिनेमा किया जाए। इसमें और बताएं कुछ? इसमें अमरपाली जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गाना है, इसके साथ साथ इसमें निधि झा हैं, इसमें काजल यादव हैं और भी बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, राजप्रेमी हैं जो विलेन हैं, बहुत ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम एक एक करके जिनका नाम आप सबके सामने बीच में लाया जाएगा, क्योंकि ये नाम ऐसे बोलने में मज़ा नहीं आएगा, जब इसका लुक आप सबके सामने सबका जब आएगा तो वो काफ़ी भव्य काफ़ी बड़ा है। काफ़ी हिंदी के भी कलाकार हैं सिनेमा में और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं सबके सामने कुछ बेहतरीन चेहरे आए, बड़े चेहरे आए और सबको देखने में कोई भी जितना भी पर्दे में जो भी बीतता जाए सबको बहुत मनोरंजक लगे और एंटरटेनिंग हो, मज़े आए आप सबको। और जो हमारे दर्शक जो पैसा जो खर्चा करके जो सिनेमा हॉल तक आएंगे, मेरी ये पूरी कोशिश हमेशा रहती है मेरी हर फिल्मों में कि उनका वो पूरा पैसा वसूल हो, उनका वो पैसा जब सिनेमा हॉल से जब बाहर निकले तो बोले कि जियो शेर का काम के लिए का फिल्म रहे, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये। और हाँ, हम सभी लोगों की ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की ये दरख्वास्त है आप सभी दर्शकों से हमारे कि सिनेमा को सिनेमा हॉल में जाकर देखें, सिनेमा हॉल सिनेमा का मज़ा सिर्फ सिनेमा हॉल में है। कृपया करके यूट्यूब को थोड़ा अवॉइड करें सिनेमा से, जब ये सिनेमा यूट्यूब पर आए तब देखें, लेकिन पहले सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को देखें, क्योंकि हम जितनी भी अच्छी फिल्में बनाते हैं हम सब इसी उम्मीद पर बनाते हैं कि आप लोग सिनेमा हॉल में आए और सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को देखें। तो प्लीज़ आप सभी लोग सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को ज़रूर देखें। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसका मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत ही कमाल का है, जिस फिल्म का नाम है प्री है, तो जितने भी दर्शक हैं जाकर उस सिनेमा को सिनेमा हॉल में देखें, क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म है, उसका मज़ा सिर्फ सिनेमा में आएगा, सिनेमा हॉल में आएगा। मैंने उसका ट्रेलर देखा है, काफ़ी शानदार ट्रेलर है, ऐसी फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए। और मैं हमेशा से दिनेश जी को हमेशा से मैं चाहता हूँ, मेरे हमेशा से वो दिल में रहे हैं, मेरे लिए परिवार की तरह, परिवार की तरह नहीं बल्कि मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैंने उनको हमेशा से माना है, चाहा है, मैं उनको हमेशा से देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ और बहुत फॉलो भी करता हूँ उनको। तो ये उनकी फिल्म है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं कि वो फिल्म चले और आप लोग आके सिनेमा हॉल में देखें। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी नगमा बेगम ने बहुत अच्छा काम किया है, नगमा बीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, जितने भी लोग हैं सिनेमा से जुड़े उन सभी को, बॉर्डर पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी एंड सबकी मेहनत रंग लाए, हम जितने भी लोग ये देखिए जो भी पसीना आ रहा है, हम सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं हर सिनेमा के लिए। तो सिनेमा को कृपया करके सिनेमा हॉल में जाकर देखें और अपना अपना प्यार और आशीर्वाद। नगमा जी, आप कितने उत्साहित हैं? एक्साइटेड हूं एक्चुअली, मैं फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूं। और बहुत ज्यादा पटना से पाकिस्तान में भी किया था आपने, उसमें पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम फर्स्ट टाइम प्ले कर रही हूं। और हाँ यार, भूल गई थी मैं yes. मतलब ये भी बहुत बड़ी होने वाली है, वेरी श्योर। आई होप कि आप लोग इस फिल्म को भी उतना ही प्यार दें जितना आपने पिछली फिल्मों को दिया है, पटना से पाकिस्तान को दिया और कई फिल्मों को दिया है। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा से भोजपुरी का एक फैन भी रहा हूँ, साथ ही साथ एक एक्टर एक सदस्य होने के नाते इस परिवार का एक फैन भी रहा हूँ। तो मेरी हमेशा से कामना और ये हमेशा से मेरी सोच होती है कि जितनी भी खूबसूरत फिल्में हैं, जितनी भी अच्छी फिल्म है, वो ज़रूर चले, हमारे दर्शक उसे ज़रूर देखें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो आकर अपने इंडस्ट्री अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सिनेमा वो कैसा लगा। और साथ ही साथ 3 जून को दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 है, काफ़ी धमाकेदार है, काफ़ी बवालदार है। हमारे दिलीप जायसवाल के बारे में कुछ बोलिएगा। हाँ, दिलीप जी जो हमारे अभी स्पेशल अपीयरेंस में आए हैं, दिलीप जायसवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सिनेमा का निर्माण किया है। इस चिंटू को जो पहचान एक मिली है, जिस सिनेमा का नाम था देवरा बड़ा सतावेला, जिसके निर्माता दिलीप जी थे, तो मेरे दिलीप चाह थे। देवरा बड़ा सतावेला सिल्वर जुबली थी, ठीक है। अभी मार्केट में ये होता है, ये फिल्म क्यों नहीं बन रही है या अली बजरंग बली, जब 25 सप्ताह सिल्वर जुबली में चल सकता है तो 25 सप्ताह फिल्म भी, 25 सप्ताह फिल्म में भी लग सकता है। यस, कमाल अमरोही ने फिल्म किस तरह से बनाया, रजिया सुल्तान, बिल्कुल कौन पाकिजा, तो ये या अली बजरंग बली भी उसी तरीके से कुछ उस प्लानिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि ये हमारे रफीक जी, हमारे रफीक जी नाम है मेरा, आओ तो गेहूं न तो रहो गेहूं।
जी, और इनका एक झलक आप सबको सिनेमा में भी देखने को मिलेगा। चिंटू जी, याली और बजरंगबली में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है? मेरे लिए दोनों उतना ही सामान्य पसंदीदा कैरेक्टर हैं, क्योंकि बजरंगी जो हमारे बजरंगबली देवता हैं, बजरंगी जो है वो उसी पैटर्न का एक कैरेक्टर है जो सिनेमा में जो प्ले कर रहा है। साथ ही साथ अली जो हमारे जो साहब हैं उनके ऊपर, शेर अली के ऊपर है, तो वो जो कैरेक्टर है दोनों को बैलेंस करना, दोनों को परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि और इसको मैं बोलना चाहूँगा इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो रफ़ीक जी का है, जिन्होंने दोनों को बहुत ही बैलेंस तरीके से लेके सिनेमा में चले हैं। चूँकि जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये हिंदुस्तान को दर्शाता है, हमारे देश को दर्शाता है, हमारे देश के दोनों के प्रेम भाव को दर्शाता है। ये जो काफ़ी जो लोग हैं, जो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ नेता हैं या कुछ लोग हैं, जो चंद लोगों की वजह से ये चीज़, ये कॉम, ये कॉम्युनल जो भी झगड़े या जो भी चीज़ें होती है, ये उनकी देन है। आम दर्शकों को, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। कई सबके दिलों में जो प्रेम है वही दर्शाता है ये सिनेमा। और अमरपाली जी को धन्यवाद हैं और ये गाना हमारा कर रहे हैं। बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आप सभी को। 3 जून को, 3 जून को देखना ना भूलें। काम करेंगे, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 का फर्स्ट लुक आप सबके बीच आने वाला है। फर्स्ट ट्रेलर कब आएगा? ट्रेलर बहुत जल्द आएगा और कब रिलीज होगी फिल्म, उसका भी अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा, उसका भी अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि बहुत ही कमाल की सिनेमा है, जब भी आएगा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। Thank you.
भोजपुरी के जो श्रोता लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। और आज जो ये गाना हो रहा है चिंटू जी का और अम्रपाली जी का, उसके लिए शुभकामना देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं दिलीप जायसवाल और अनवर वीरानी जी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये पिक्चर जो है इसकी कहानी हर वक्त हमें बताते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। इसकी कहानी ऐसी लाजवाब है, और पिक्चर का जो डायरेक्टर है रफीक, इसने इसकी पहली पिक्चर है, और इसने इस पिक्चर का जो एक एक टेक लिया है, एक एक जो शॉट्स ले रहे हैं, पिक्चर में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इसको अब पूरे मंजिल तक पहुंचाएगा। और इसका जो टेक, उसके जो शूटिंग जो हुए हैं, इसका जो काम हुआ है वो देखने लायक होगा, और इसको लोग इतना पसंद करेंगे कि वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसी के लिए मेरी इस पिक्चर के लिए या अली बजरंगबली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिंटू जी स्टार है, कल का उभरता हुआ और आज का परिपक्व स्टार है। अभी के हालात में सबसे ऊपर देखता हूं मैं, सबसे अच्छा समझता हूं आज के हालात में। मेरा तो क्या पिक्चर में, मेरी दो पिक्चरें कंप्लीट है। एक रानी दिलवर जानी है जो रिलीज़ के लिए जो भोजपुरी का सिस्टम है क्यू में लगा हुआ है, अभी वांटेड हुआ है, फिर खेसारी का हुआ है, इसी हिसाब से रमजान का महीना का इंतज़ार है, ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरी रिलीज़ होगी। उसके बाद कहानी किस्मत की पिक्चर मेरी कम्प्लीट है, वो रिलीज़ करूँगा। पटना टू रांची एक पिक्चर बना रहा हूँ जो अगले महीने 20 तारीख को मैं शूटिंग पे लेके जाऊँगा। धन्यवाद। कहानी तो एक हिंदू मुस्लिम बेस है, और एक बहुत ही इमोशनल वे में एक कहानी है। इमोशनल, एक्शन, रोमांटिक, मतलब सभी तरह का मसाला है। लेकिन लास्ट एक बोलते हैं कि एक फिल्म का एक लोगों को एक मैसेज के साथ है, मैसेज फिल्म में हिंदू मुस्लिम के अलावा और भी बहुत कुछ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या गाली गलौज नहीं, आपस में भाईचारा और एकता की कहानी है। आज का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे? आज का ये अम्रपाली का एक स्पेशल सॉन्ग कर रही है अम्रपाली जी, तो ये सॉन्ग का ये एक सिक्वेंस ऐसा था कि फिल्म का पोस्टर देखता है हीरो, और फिल्म के पोस्टर देखने के बाद वो सैया बेदर्दी फिल्म का टाइटल है, और उसके बारे में पूछता है कैसा है क्या है, और वो गाने के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये गाना वही है अभी सैया बेदर्दी। चिंटू जी इस गाने में आइटम सॉन्ग कर रहे हैं साथ में अम्रपाली के, कैसा कॉम्बिनेशन आपने बनाया? जी देखिए, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। चिंटू एक बहुत टैलेंटेड एक्टर है और अच्छा एक्टर है, और अम्रपाली जी एक भोजपुरी की खूबसूरत और सबसे लकी हीरोइन है, और बहुत अच्छी इंसान है। और मैंने उनके साथ 3-4 फिल्में पहले पटना था पाकिस्तान, मुकामा, बम बम बोल रहा है काशी, 3 फिल्में किया था। तो मैं चाहता था कि मेरी एक फिल्म में, मेरी पहली फिल्म में, तो मेरे कम से कम मेरे जो पुराने जो को स्टार है वो कोई ना कोई रहे, और इस गाने की एक ऐसी सिचुएशन निकली और अम्रपाली जी करने के लिए रेडी हुई, उनके उनका भी मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ना नहीं बोला और एक मेरे लिए गाना किया, और अच्छा गाना है, और आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने 100% में कितना परसेंट आप सिनेमा देते हैं? 100% में 100% में 100% दूंगा मैं। सिनेमा तो है ही, और अच्छा सिनेमा है, बढ़िया है, और भोजपुरी मेरी ये 5वीं फिल्म है, सभी फिल्में की है, और ये भी फिल्म अच्छी बन रही है, जैसे मैंने आगे के मेरे पिछली फिल्में जितनी भी। पहले अपने एज ए डीओपी का वर्क किया है, एज ए डायरेक्शन में एज ए नाम पहली बार इंडस्ट्री में आ रहा है, और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ फिल्में जो शूट चली है उसमें कुछ लोग अपने पार्ट देखे हैं। हाँ देखिए, कैसा है कि एक कैमरा मैन अगर एक डायरेक्टर बनता है तो उसको आधा तो वो डायरेक्टर पहले से होता है, शॉट डिवीजन और शॉट टेकिंग कटिंग का उनको नॉलेज होता ही है जो कैमरा मैन होते हैं। कुछ लोगों के जिनको नहीं होगा, बाकी तो 90% जो कैमरामैन है जिनको नॉलेज है वो लोग ही आधे से ज़्यादा पहले से ही डायरेक्टर होते ही है वो। और सीन कैसे पिक्चराइज करना, और मेरा तो ऐसा है कि मुझे पहले से शौक भी था,
ऐसी कई फिल्में हैं जो मैंने पहले बहुत तरीके से गोस्ट डायरेक्ट भी की हुई है फिल्में, जिसमें मेरा नाम नहीं दिया कभी, लेकिन इस फिल्म से मेरे लिए पहली फिल्म नहीं है, लोगों के लिए शायद ये पहली फिल्म हो। मैंने इससे पहले कई फिल्में डायरेक्ट की है बट नाम नहीं दिया कहीं। अब इस फिल्म से मेरा नाम और काम दोनों साथ में दिया। चिंटू के साथ कैसा लगा आपके साथ काम करके, कितना अनुभवी आपको लगते हैं इस फिल्म में? नहीं नहीं बहुत अच्छा। एक तो काम के प्रति वो भी बहुत सीरियस है, और एक यंग लड़का है उसको भी कुछ करना है, उसको एक मुकाम हासिल करना है, तो उसमें एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी बहुत काम में आती है। और उसके लिए कभी वो शॉट में, टेकिंग कटिंग में, इसमें उसमें सब में इन्वॉल्व होता है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मतलब इस तरह से आपने सिनेमा बनाया, मतलब चिंटू जी को एक और सिनेमा बनाने वाले हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, एक नहीं तीन फिल्में बनाएंगे और अच्छी फिल्में बनाएंगे। इतना बड़ा भविष्य लोकेशन देखने में क्या सिचुएशन चल रहा है? ये एक ड्रीम सॉन्ग टाइप है कि इसके अंदर ये हीरो और ये आता है, और ये एक सपोज से कोई फिल्म की हीरोइन है जिसका पोस्टर देख के उसके अंदर वो डायरेक्ट हीरो खुद घुस जाता है और उसको पूछता है कि सैया तेरा बिदर दिया, सैया ने क्या किया क्या नहीं। तो अम्रपाली और उसका एक बढ़िया एक आइटम नंबर है। डांस मास्टर बहुत हमारे फेमस है। अरे रामदेवन जी को क्या कहना चाहेंगे? रामदेवन जी और मैं, हम लोग बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में किया। भोजपुरी में भी मैंने काम किया, पटना से पाकिस्तान में भी थे वो, इसमें भी थे, प्लस मैंने भोजपुरी और गुजराती में भी मैंने उनके साथ बहुत काम किया। गुजरात से हम लोगों ने बहुत सारे, काफ़ी सारे अवार्ड्स उन्होंने, मास्टर जी ने वहाँ भी लिए हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छी टीम वर्क वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे गाने किए। और इस फिल्म के लिए भी मुझे एक अच्छा मास्टर मिला है जिन्होंने तीनों चार गाने हम लोगों ने किया है, और सभी गाने बहुत अच्छे हुए गाने। फिल्म के निर्माता दिलीप और अनवर जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे कितना सपोर्ट करते हैं आपका डायरेक्शन में, कोई इंटरफेयर होता है? नहीं नहीं काम के मामले में तो इतना इंटरफेयर नहीं होता है, उल्टा लोग बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं। दिलीप जी ने ऑलरेडी तीन फिल्में तो अच्छी फिल्में बनाई हैं, और उन्होंने, उनको तो पहले से नॉलेज है, और अनवर भाई भी बड़ी फिल्म इससे हिंदी से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको भी पता है कि कैसे क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए। और एक हमारे नील मिश्रा और वो लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व, तो वो लोग भी अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल प्रोड्यूसर साइड से तो मुझे खुशी है कि ये लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते काम में। अली बजरंग बली तो कब तक दर्शक देख पाएंगे हमारे इस साल? बस अभी बहुत जल्द मैं बोलूँगा कि अगस्त सितंबर तक शायद ये फिल्म आ जाए। अभी थोड़ा ही काम बचा है, बाकी तो काम हो चुका है, अभी एक्शन वगैरह हो जाए तो अगस्त सितंबर तक होगा। थैंक यू शुक्रिया। यहाँ तो मेरे को लग रहा है शूटिंग चल रहा है या अली बजरंग बली, जिसके प्रोड्यूसर दिलीप जायसवाल और अनवर भाई हैं, डायरेक्टर रफीक खान है, हीरो चिंटू पांडे है, और पिक्चर बहुत अच्छी बन रही है। अब आज मेरे को लग रहा है कि आइटम सॉन्ग है अभी अम्रपाली जी का, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी डांसर हैं, और मेरी तरफ से अनवर भाई और दिलीप जी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान करे उनकी पिक्चर बहुत अच्छी चले। हमारा तो सपोर्ट शुरू से है, अनवर भाई हमारे मित्र है, दिलीप जी भी, और जितना हमसे होएगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। रिलीज हाँ, हम लोग तो सिर्फ बॉम्बे करते। चिंटू जी को आप कहाँ देखते हो, जैसे कि अभी आज बढ़ते हुए कलाकार हैं इंडस्ट्री के पास? चिंटू जी बहुत अच्छा स्टार है, कोई सिंगर नहीं है ये नहीं, बाकी तो जितने आते हैं सब सिंगर से ही चालू होते हैं, और वो गानों से आते हैं, और गाने चलते हैं तो लोग पब्लिक लाइक करती है उनके गाने, है ना, लेकिन ये एक अलग है। ये और युवा लोगों का स्टार है, और मेरे हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी। आप सर कैमरा में देखिएगा, जहाँ तक मुझे मालूम है वो दिलीप जायसवाल की पहली पिक्चर भी दोबारा बड़ा सतावेला 8 अवार्ड कमाने वाला था, और इस पिक्चर को हमने कुछ जो हो चुकी है शूटिंग उसको हमने देखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सराहनीय है। यहाँ तक कि एक एक गाने जो हमने देखे हैं काफ़ी खूबसूरत और बहुत बढ़िया बेहतरीन पिक्चराइजेशन हुआ है। आई गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड कैमरामैन, कोरियोग्राफर एंड एवरीवन, एंड रिगार्ड्स दिस तो हम कह सकते हैं कि चिंटू और अम्रपाली जी का भी शायद एक गाना होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया होगा, चूँकि गाने हमने सुने हैं, और आई गिव ऑल द बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड।
टू द एंटायर यूनिट एंड द प्रोड्यूसर एंड एवरीवन। थैंक यू। आप काफी सिनेमा उनके साथ शूटिंग पे जाते हैं, आपको कैसा लगता है भोजपुरी सिनेमा में जो अभी हमने सेटअप देखा है? आई एम क्वाइट कन्विंस्ड एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। दिलीप जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दिलीप तो दिलीप हु डजंट नो दिलीप डीजे दिलीप जायसवाल इज दिलीप जायसवाल ही इज वेल नोन टू एवरीवेयर एंड एवरी वन इन फैक्ट इन बॉम्बे नोज दिलीप एंड दिलीप जायसवाल। इस फिल्म में अभिनेता हमारे प्रदीप पांडे चिंटू हैं और आज अमरपाली दुबे का एंट्री हुआ है नए गाने में, कैसा आप देख रहे हैं जो सेटअप लगा के साथ? बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया होगा। अभी तो गाने होने हैं, प्रिपरेशन बाकी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया होगा। आप तो भोजपुरी सिनेमा देखते हैं कोई भी, तो कैसा लगता है आपको? देखिए वो सबसे ये हट के पिक्चर है जो हमने देखा है, वो दो तीन दिन पहले मुझे ऐसा अवसर मिला देखने का, लैब में लोग ले गए थे हमको दिखाने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक मैं बहुत खुश हूँ आज, ख़ास मतलब इस फिल्म का ये जो गाना पिक्चराइज हो रहा है और ये सेट इतना खूबसूरत बनाया है और इनके जो ख़ास निर्माता हैं निर्देशक हैं इनका योगदान देख के और पूरी फिल्म का जो प्रोजेक्ट है और चिंटू जी, आप जैसे ही जानते हैं इस समय जो भी फिल्म चिंटू जी कर रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रही है और मुझे खुशी है यहाँ पर आज सेट पे आके मैं बधाइयाँ देता हूँ पूरी यूनिट को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुंबई फिल्म एकेडमी, कभी बच्चे पूछते हैं भोजपुरी सिनेमा भी मुझे बनाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मुंबई फिल्म एकेडमी हमारी संस्था है जो फिल्में ट्रेनिंग देती है और वहीं से हमारे एक सिंगर अभी उभरे हैं जिनका नाम है बबलू भैया और बबलू भैया की खासियत यह है कि बबलू भैया भोजपुरी में उन्होंने गाना गाया है और अभी अगले हफ्ते जो है ये म्यूज़िक वीडियो एल्बम रिलीज होने जा रहा है भोजपुरी का जिसका नाम है हीले पटना राजधानी। इस फिल्म के अभिनेता चिंटू जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने चिंटू जी की फिल्में देखी हैं और ख़ास एक उभरते हुए कलाकार के रूप में मैंने जब देखा और आज एक एस्टेब्लिश्ड कलाकार के रूप में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हर फिल्म में बढ़ता ही जा रहा है, एक से बढ़कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अरे उनको तो सारी दुनिया जानती है, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिंग और आज जो खास सेट बनाया गया है उनके लिए एक स्पेशल डांस का आज शूटिंग होने जा रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। जी ये तो नहीं नहीं आज नहीं, मौका मिलेगा फिर हम करेंगे आपके साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये साइड है ये वाला और ये साइड, हाँ ये साइड और वो लाइट है ना कवर कर दो, हाँ ये देखो अभी परफेक्ट है, नाइस।
एक नाम देखिए आओ मैडम आ गई एक बार और बहुत चला रहा हूँ मैं उठा लूँ बहुत चला मैं कह रहा है लुक अच्छा आएगा चलो टेक टेक और अमित जी वाइट ले लो जल्दी अमित से मिले आप नहीं नहीं आप आइए रुको ना साथ में कर लो ना अरे अरे पहला कर लेता और सुनो सुनो साथ में डांस करेंगे मैं सबसे पहला शुक्रिया अदा करूँगा सारे मेरे दोस्तों का जो मेरे को सपोर्ट किया इस पिक्चर में और मेरी कंपनी को ईश्वर फिल्म्स को सपोर्ट किया सभी ने मेरे दोस्तों ने मैं शुक्र गुजार हूँ सारे आर्टिस्टों का चिंटू निधि झा काजल यादव राज प्रेमी हितेन और डायरेक्टर लतीफ़ शेख का रफ़ीक लतीफ़ शेख का मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाई और मुझे अच्छी लगी और मैं ये सोच के फिल्म बना रहा हूँ कि मुझे बहुत पैशन है भोजपुरी का पहले मैंने हिंदी बनाई मेरे भाई लोगों ने खुदा गवाह बनाई 1, 2 का 4 बनाई अब मैं सोचा कि चलिए मैं भोजपुरी बना देता हूँ तो उस देख के मैंने भोजपुरी शुरू कर दी पिक्चर सिनेमा से क्या दर्शक कब तक इसको देख सकते हैं अच्छी फिल्म बनाएंगे सब देखेंगे नहीं कब तक आएगी 2018 में मेरी फिल्म ईद पे बकरी ईद पे लाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा और रक्षाबंधन चिंटू बारे में स्पेशली क्या सोचा है आपने कैसा लड़का है लड़का बहुत अच्छा है उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकेगा इस फिल्म में डबल रोल है उसका लोगों को देखने मिलेगा वेरिएशन अमरपाली दुबे आज आपके फिल्म में पहली बार आइटम सॉन्ग कर रहे हैं क्या उनका कुछ अमरपाली एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ज़्यादा करके उन्होंने फिल्में निरोवा के साथ ही की हुई है लेकिन अभी उनको जब मैंने डायरेक्टर ने उनको जब सिचुएशन समझाया आइटम गाने का तो बड़ी खुश हुई और बोली मैं करूँगी इस फिल्म को और बहुत सपोर्ट की हूँ और बहुत अच्छी डांसर है देखना ये फिल्म में गाना हिट बहुत बड़ा हिट हो जाएगा इस फिल्म में दिलीप जायसवाल भी जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे दिलीप जायसवाल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं देवड़ा बड़ा सतावेला के टाइम से उन्होंने गंगा मैया की सौगंध बनाई मैं नागिन तू नगीना बनाई तीनों फिल्म हिट थी तो मैं उनके साथ जुड़ गया वो भी एक प्रोड्यूसर है इस फिल्म में थैंक यू सर ओके थैंक यू सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैंने खुदा गवाह और वगैरह पुरानी फिल्मों में आपने प्रोड्यूस किया तो आप भोजपुरी को खुदा गवार 1, 2, 4 मेरे भाई ने बनाई है और मैं जब भोजपुरी में आया तो मुझे लगा कि मुझे भी एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए बड़ी फिल्म तो इसलिए मैंने भोजपुरी में ये फिल्म को प्रोडक्शन नंबर 1 ईश्वर फिल्म्स को मैंने प्रोडक्शन नंबर 1 में शुरू किया सर ये फिल्म का टाइटल क्या है बजरंग बली मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट कास्ट अली और बजरंग बली ये डायरेक्टर का थॉट है एक्चुअली और इस फिल्म में दोनों कास्ट को मिलते हुए दिखाया हुआ है जब फिल्म आएगी तब मैं बहुत कुछ बोल पाऊंगा लेकिन अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ मतलब चिंटू को जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाया डायरेक्टर ने तो चिंटू वॉज वेरी एक्साइटेड तो चिंटू ने कहा कि चलिए हम फिल्म करते एंड मोस्टली ही वॉज वेरी हैड पैशन ऑफ डूइंग फिल्म विद दिलीप जायसवाल तो उन्होंने इसलिए इस फिल्म को यस किया करने के लिए ओके